ब्रेक मामले को लेकर आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की जांच कमेटी ने पार्टी को रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट के साथ नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और विधायक सौरभ सिंह ने एकात्म परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि विचाराधीन कैदी की मौत पर भाजपा विधायक दल ने जांच रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें रमेश कुमार की कस्टडी में हत्या होने की बात सामने आई है। धरमलाल कौशिक ने आरोप लगाते हुए कहा कि नई सरकार में कस्टोडियल जेल मामला नया नहीं है, जांच में ये पाया है कि रमेश की कस्टडी में हत्या हुई है, जिसकी जांच की मांग की गई है। ये मृत्यु जेल के अंदर हुई है और निश्चित ढंग से प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि उसकी मृत्यु हुई है जेल के अंदर, और बाद में उसको बताया गया है कि उसकी मृत्यु हुई है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हो रही है करके, और वो जेल ब्रेक किया था। जेल ब्रेक किया था कि नहीं किया था इसका भी कोई प्रूफ नहीं है। तो ये मामला है करके कुल को, जैसे जिस तरह से कस्टोडियल डेथ के मामले चल रहे हैं करके, उसमें भी अभी जेल के अंदर एक डेथ का मामला है। कर्नाटक का संकट कल दूर हो सकता है।